आज हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था मिर्जा जाहिर का लेख जो कि एक नॉवल है और ये किसकी लिखी हुई है इफ्ती नदीर अहमद किससे बता रहा हूँ मैं इफ्ती नदीर अहमद ये सवाल पीछे नहीं दे रखा है लेकिन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि आपके हिसाब में शामिल मिर्जा जाहिर का लेख किस नावल का किरदार है। आपका जवाब ये मानती है कि हमारे निशाब में शामिल मिर्जा जानेदार बेग डिप्टी नजीर अहमद की लिखी हुई नावल तोबतुन नसू का किरदार है। तोबतुन नसू का किरदार है ये डिप्टी नजीर अहमद की लिखी हुई नावल तोबतुन नसू। तो स्टूडेंट्स कल मैंने आपको बताया था इस नावल के ये जो मिर्जा जाहिर का बेग इसकी कुछ समरी बताई थी मैंने वो जबानी उसी को ही आगे बढ़ा रहा हूं मैं। कल हमने यहां तक बात बताई थी मैंने आपको कि मिर्जा जाहिर का बेग का एक दोस्त रहता है कलीम। कलीम अपने माँ बाप से झगड़ा करके घर से बाहर निकल जाता है और इसको जब बाहर निकलता है तो इसको किसकी याद आती है अपने दोस्त मिर्जा जाहिर का बेग की। क्योंकि मैंने आपको मिर्जा जाहिर का बेग के बारे में पहले भी बताया था कि मिर्जा जाहिर का बेग एक निहायत ही झूठ और फरेब बोलने वाला शख्स थे। यानी वो रईसों को अपना बेटना का बड़ा शौकीन है। उसने दो महीने से लिबास सिला रखे थे और रईसों की सी बोल चाल उसने इख्तियार कर ली थी और वो रईसों का बेटा और अपने आप को बहुत बड़े सौदागर का बेटा नाम बताता और जो शहर की सबसे खूबसूरत सबसे बेहतरीन जो हवेली थी उसका मालिक अपने आप को वो बताता। तो उन्हीं लोगों में वो उठता बैठता रईस लोगों में उठता बैठता तो उन्हीं रईस में से इसका दोस्त कौन था कलीम। तो कलीम की जब अपने माँ बाप से बिगड़ती क्योंकि कलीम भी एक रईस में रईस माँ बाप की औलाद है जब इसके अपने माँ बाप से बिगड़ती है जब इसको खाने पीने रहने की फिक्र सताती है घर से जब ये बाहर निकल आता है तो इसको अपना एक दोस्त याद आता है वो होता है कलीम। तो कलीम से सुनी मिर्जा जाहिर दार बेग मिर्जा जाहिर दार बेग ने जो अपनी हवेली का एड्रेस बता देता है होता है कलीम उस हवेली की एड्रेस पे चले जाता है और जाकर के पूछता है कि मिर्जा को भेजिए। तो वहां पर काम करने वाले नौकरानी मना कर देती है आपको मिर्जा नहीं लेता। दूसरी नौकरानी आती है उसको भी यही बात कहता है कि ये मिर्जा को भेजिए लेकिन उसको भी मना कर देती है आपको कलीम नहीं रहती मिर्जा जाहिर दार बेग नहीं रहते। फिर तीसरी नौकरानी आती है उसको यूं कहा जाता है उसको भी कलीम ये बात कहते हैं कि तुम कैसे नौकरानी तुम अपने मालिक का ही नाम नहीं जानती जिसकी ये हवेली है जिसका ये मालिक है मैं उसके बारे में बात करूं मिर्जा जाहिरदार बेग। तब ये तीसरी नौकरानी समझ जाती है कि ये किस मिर्जा के बारे में बात करता है। तो वो कहता है कहती है कहीं तो उस झूठे फरेब मिर्जा के बारे में बात तो नहीं करे जो शहर में ये चर्चा फैलाता है कि ये हवेली उसकी है और उस हवेली का ये मालिक है। तब वो उसका पता बताती है तो मिर्जा जाहिरदार के उस हवेली में ना रह करके उस हवेली के सामने एक छोटी सी दुकान है छोटी सी दुकान जिसको मिर्जा जाहिरदार बेग खुद और उनकी वालिदा दोनों ही रहते हैं। और जब वहां जाता है तो देखता है कि मिर्जा जाहिरदार बेग एक फटे लिबास के अंदर सामने खड़े हैं और जाकर मिर्जा जाहिरदार बेग अभी शर्माते नहीं है बल्कि अभी भी झूठ और फरेब है बोलते जाते हैं। और कुल मिला के ये बात है कि वो अपने दोस्त कलीम को अजीब तरीके बहाने देकर के कलीम को कहाँ ठहराते हैं एक मस्जिद में ठहराते हैं। ये मस्जिद की जो इमारत है वो टूटी फूटी इमारत है जहाँ आवाज नहीं होती है वहाँ चमगादड़ों ने घोंसले बना रखे हैं और चमगादड़ों की जो मेटेरियल चमगादड़ों का जो पेशाब है वो वहां पर पड़ा है। तो उस जगह पर इनको कलीम को ठहराया जाता है और मिर्जा जाहिरदार बेग उनको वहां सोने के लिए कहते हैं तो यही सो जाओ। और वो जब उनके लिए दरी लेकर आते हैं दरी और तकिए का जो इंतजाम करते हैं वो भी वो अपने पास से नहीं लाते बल्कि किसी पड़ोसी की तरफ से उधार मान के लेकर आते हैं। और जब मिर्जा कलीम खाने की दरियाफ्त करते हैं कि मुझे भूख लगी है मैं घर से बिना खाए निकला हूँ तो उल्टा मिर्जा जाहिरदार बेग उसको खाने की कहने की बजाय उसको ताना मारते हैं कि यार तुमने पहले क्यों नहीं किया कि इतनी रात हो गई हमें कहा चल रहा हूँ कोई दुकान मिली हुई है। तो कुल मिला के मजबूरी में ये किसी दुकान के पास जाते हैं वो भाट जो खरबूजा जिसको कहते हैं चने वगैरह तो बताता है तो वहां से कोई भी सूखे बासी चने ले आते हैं वो भी उदास और वो ला करके कलीम को
देते हैं और कलीम मजबूरी में उनको खाते हैं और रात को जब वो आराम करते हैं तो पूरी रात उनके मच्छर परेशान करते हैं, बड़ी बेचैनी के साथ उनकी रात निकलती है। और जब दूसरे दिन अपनी दुकान में चले जाते हैं वादा के बुलाते हैं और कलीम के पास दूसरे दिन वो घर वाले आ जाते हैं जिन्होंने तकिया दिया और वो जाकर सीधे कलीम से ये कहते हैं कि हमें वो दरी और तकिया दे दो जो कल मिर्जा उधार लेकर आए थे। अब कलीम को ये पूरी बात समझ में आती है कि मिर्जा एक फरीदी आदमी है और ये झूठ बोलते हैं, इनका कुछ भी नहीं है और ये कहकर वो सोच समझ के मिर्जा जागीरदार है कि आने से पहले ही वहां से निकल जाते हैं। तो ये एक किरदार जो उनके डिप्टी नजीर अहमद ने पेश किया है मिर्जा जागीरदार बेग का, ये एक फरीदी किरदार है जो झूठ बोलकर अपना काम निकालता, अपने आप को बड़ी ही रईस बात की औलाद लोगों के सामने बना करके पेश करता है। अब स्टूडेंट ये इसकी पूरी की पूरी कंप्लीट कहानी भी जो मैंने आपको बताई, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो किरदार आया है वो मिर्जा जागीरदार बेग का ही किरदार आया है और एक जो दूसरा जिक्र हुआ है मेन जो किरदार वो कली। तो ये पूरा का पूरा जो सफर है वो इस दो के बीच की भी मुक्ता रहता है। अब इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके सामने पीछे की बुक के अंदर दे रहे हैं जिनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये दो तीन बातें आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, एक तो ये मिर्जा जागीरदार बेग कम्प्लीट एक नॉवल नहीं है, ये एक नॉवल तौबतुन नसूह का एक किरदार है, सिर्फ एक किरदार है मिर्जा जागीरदार और इसको लिखने वाले कौन है डिप्टी नजीर अहमद। और डिप्टी नजीर अहमद के बारे में भी आपको याद रखना है कि उर्दू का पहला नावल निगार जो है वो डिप्टी नजीर अहमद। एक कल इसके सवाल जो आपके बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए।